आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले जिला परिषद सदस्यों ने चाईबासा शहर में रैली निकालकर जिला परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया। जिला परिषद सदस्य पेसा कानून को लागू करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को उनका अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में पंचायत प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी की मांग की जा रही है। इसके लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। यह फंड जिला प्रशासन द्वारा सांसद और विधायक के माध्यम से खर्च किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि डीएमएफटी फंड को वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के माध्यम से ग्राम सभा की लघु समिति बनाकर खर्च कराया जाए ताकि पैसे का सदुपयोग हो सके। झिंकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मीरन मुंडा ने कहा कि जिले में 28,000 करोड़ डीएमएफटी फंड की राशि है। इसे 20 लाख रुपए वार्ड सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के माध्यम से 2-2 करोड़ और जिला परिषद सदस्य के माध्यम से 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जाए। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की बहाली पर भी जोर दिया। देखिए, आज हम लोग जिला परिषद का सामान्य बैठक में हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इससे पहले भी 30 तारीख को बैठक था जो अचानक 11 बजे रात को कैंसिल कर दिया गया, जिसके विरुद्ध में हमने एक दिन का टोकन धरना प्रदर्शन किया। हम कहना चाहते हैं कि आज जिला में क्या हो रहा है। जिला में पंचायती चुनाव हो चुका है, पंचायती चुनाव में मुखिया से लेकर के सारे लोग जीत के गए हैं, लेकिन इनका काम क्या है? ये सारे लोगों का काम रह गया है कि भाई कहीं रोड बनेगा तो हमको पीसी मिल जाए, कहीं अगर जलमीनार बन जाए तो पीसी मिल जाए। आज पंचायत चुनाव होने के बाद पहले डीलर चोर हुआ करते थे, अभी मुखिया चोर हो रहे हैं, जिला परिषद चोर हो रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर क्यों लोगों को चोर बनाया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा जिला में डीएमएफटी फंड है, डीएमएफटी फंड 28,000 करोड़ है, लेकिन डीएमएफटी फंड कौन खर्च कर रहा है? तो यहाँ का एमएलएमपी खर्च कर रहा है। डीएमएफटी फंड का गाइडलाइन क्या है? ग्राम सभा के माध्यम से डीएमएफटी फंड को खर्च करना है। डीएमएफटी फंड पंचायत चुनाव से पहले एमएलएमपी को इसलिए कराया गया था क्योंकि पंचायत चुनाव बीच में हमारा नहीं हुआ था और ये जिला का फंड को खर्च करना था, तो एमएलएमपी के माध्यम से खर्च हुआ। लेकिन अब तो पंचायत चुनाव हो गया, जब पंचायत चुनाव हो गया तो अब यहाँ का जो जिला का फंड है, यहाँ का मुखिया और जिला परिषद लोगों के माध्यम से खर्च कराना चाहिए। न्यूज़ विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।